हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और सोलन की सीमा पर स्थित नारक के समीप अजगा में मां कामाख्या शक्तिपीठ के नव निर्माण परिसर में गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक समागम हुआ। यहां पर बुधवार को गुरु दीक्षा समारोह एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुरु पूर्णिमा की पूजा में भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों व बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी अपने गुरु के रूप में डॉक्टर संजय शर्मा का पूजन वंदन करके उन्हें गुरु धारण किया। इस दौरान सामूहिक रूप से पाठ एवं हवन भी करवाया गया। डॉक्टर संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शक्तिपीठ में धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से आए सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। गुरु से दीक्षा लेकर उन्होंने अपने मंगल भविष्य की कामना भी की। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कामाख्या शक्तिपीठ जो हमारा नारक में बन रहा है, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन और चंडी हवन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग हमारे सोलन से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश से, काफ़ी जगह से यहाँ पर लोग आए हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे सभी पूजन और हवन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और सोलन की सीमा पर स्थित नारक के समीप अजगा में मां कामाख्या शक्तिपीठ के नव निर्माण परिसर में गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक समागम हुआ। यहां पर बुधवार को गुरु दीक्षा समारोह एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुरु पूर्णिमा की पूजा में भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों व बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी अपने गुरु के रूप में डॉक्टर संजय शर्मा का पूजन वंदन करके उन्हें गुरु धारण किया। इस दौरान सामूहिक रूप से पाठ एवं हवन भी करवाया गया। डॉक्टर संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शक्तिपीठ में धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से आए सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। गुरु से दीक्षा लेकर उन्होंने अपने मंगल भविष्य की कामना भी की। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कामाख्या शक्तिपीठ जो हमारा नारंग में बन रहा है, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन और चंडी हवन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग हमारे सोलन से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश से, काफ़ी जगह से यहाँ पर लोग आए हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे सभी पूजन और हवन कर रहे हैं।